NS-707 प्रकार के गहरी खाई में गिरने से 15 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत, 3 घायल। दादा की तहरीर में जा रहा था परिवार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। एक्सीडेंट की वारदात जिला सिरमौर में बढ़ती जा रही है। वहीं ताज़ा मामला मंगलवार नेशनल हाईवे 707 पर टिम्बी के पास एक कार के गहरी खाई में गिरने से 15 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी मुताबिक पोंटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 पर टिम्बी के पास एक सड़क हादसा उस समय पेश आया जब एक परिवार लोग HP 8590-10 कार में सवार होकर अपने दादा की तैरवी में टिम्बी से गांगटोली अपने गांव जा रहे थे कि टिम्बी से 2 किलोमीटर की दूरी पर बांगी मोड़ पर कार नियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार के गहरी खाई में गिरने की आवाज़ सुनते ही लोग आसपास के इकट्ठे हुए और तथा घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सिविल अस्पताल पोंटा साहिब लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने अंशिका 15 वर्ष पुत्री जगपाल निवासी गांगटोली की को मृत घोषित कर दिया, जबकि सचिन पुत्र प्रदीप शर्मा निवासी गांगटोली, मंजू पुत्र कुंदन सिंह पुत्री कुंदन सिंह गांगटोली, यशपाल पुत्र चमेल सिंह निवासी गांगटोली गंभीर रूप से घायल है, जिनका सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक युवती के दादा का कुछ दिन पहले निधन हुआ था। मंगलवार को दादा की तैरवी थी और सभी परिवार के लोग टिम्बी से गांगटोली जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोंटा के SDM वीर फातू ने बताया कि कार की गहरी खाई में गिरने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।